बनी है। ब्रज बहुत बड़ी जगह है, जिसको आप 15-20 दिन भी लगातार घूमोगे ना तो पूरा ब्रज 84 कोस नहीं कर पाओगे, और वो थोड़े से 4-5 मंदिरों के आगे फ़ोटो खिंचा के वापस चले जाते हैं और सोचते हैं कि ब्रज 84 कोस के दर्शन हो गए उनको, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, वैसे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा टाइटल और थंबनेल देखने के बाद कि मैं आपको कहां ले जाने वाला हूं। तो गाइस, आज बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जो लाइक और कमेंट करते हैं ना उससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भी हो, थोड़ा सा आप लोगों का एक लाइक 1000 गुना एनर्जी देता है हमको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ यार एक लाइक और एक कमेंट जरूर किया करो, पूरा वीडियो देखा करो। अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ब्लॉग में था क्या, मैंने क्या कहा था। स्किप करते जाओगे तो कई बार अच्छी अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट दो अपने भाई को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। नहाना धोना हो चुका है, बस चाय नाश्ते का इंतजार है। अंजलि मेरे लिए चाय और नाश्ता बना रही है, उसके बाद सीधा चलेंगे हम यहाँ से जैत, जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ। उस गांव का नाम है जैत, मथुरा से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगर आप वृंदावन से जा रहे हो तो वृंदावन में छठीग्रह पे जो मंदिर है ना वैष्णो देवी माता का, वहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से पड़ता है जैत गाँव। तो आप अगर कभी जाना चाहो तो मथुरा से जाओ या वृंदावन से आपको दिल्ली की तरफ जाना है, ओन हाईवे ही पड़ता है, जैत गांव है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। पहले तो ऐसी गंदगी फैली रहती थी वहाँ पे, लेकिन जब से जो सरकारी तंत्र ने उसमें अपना काम संभाला है और कुछ प्राइवेट एजेंसियाँ भी, तो बहुत ही अच्छा पार्क टाइप का बना दिया है। बहुत लोग घूमने आते हैं, जिन लोगों को जानकारी है वो घूमने आते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो नहीं घूम पाते। तो अगर आप वीडियो देखने के बाद वहाँ जाना चाहो तो आराम से जाइए, बहुत अच्छी जगह है। बाकी आज आप वीडियो में देख सकते हो कैसा लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, कि आपको पहले से पता था इसके बारे में या नहीं पता था ये भी बताना। अगर आपको पता था तो आप गए हो कि नहीं ये बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। चलिए शुरू करते हैं, जय वंशी वाले की। Grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. गाइस, वैसे तो ब्रज इतना बड़ा है कि कोई घूमने आता है और 15-20 दिन लगातार घूमे ना फिर भी पूरा ब्रज घूम नहीं सकता, इतना बड़ा है। तो ज़्यादातर लोग मेन मेन जगह तो घूम जाते हैं, जिनका नाम सुना हुआ है, प्रेम मंदिर हुआ, बाके बिहारी हुआ, कृष्ण जन्मभूमि हुई, या गोकुल के मंदिर हुए, बरसाना का हुआ, तो जिन जगहों के लोगों ने नाम सुने उन जगहों को तो लोग घूम जाते हैं। लेकिन भाई ब्रज में केवल इतनी सी जगह नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, एक से एक बढ़कर। उन जगहों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है तो ऐसी जगहों को नहीं घूम पाते हैं। तो गाइस, हम लोगों के घरों में एक फोटो भगवान श्री कृष्ण की अक्सर लगी रहती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण 5 फन के सांप के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाया जाता, जिसको काली देव पे नहाता था। उस नाग का नाम था कालिया नाग। बहुत से लोग इस कहानी तक को केवल वहीं तक जानते हैं जहाँ कालिया नाग को नहाता था भगवान श्री कृष्ण। जमुना जी किनारे खेलने आए हुए थे अपने बाल सखाओं के साथ, गेंद काली देह में गई, काली देह से भगाने के बाद कालिया नाग कहाँ गया, उसका क्या हुआ, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को काली देह पे नाचने के बाद वृंदावन से भगा दिया था और बोला था जहाँ भी तुम पलट के देखोगे वहीं पे पत्थर के हो जाओगे। तो कहानी कुछ यहाँ तक तो सब लोगों को पता है, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद कालिया नाग कहाँ गए, कहाँ हैं? तो गाइस, 5000 साल बाद मैं आपको इसी जगह को दिखाने के लिए लाया हूँ कि काली देह से निकलने के बाद कालिया नाग कहाँ गए, आज की डेट में उनका कोई जगह है या नहीं है, यही दिखाने के लिए लाया हुआ हूँ। तो चलिए आपको कालिया नाग के दर्शन कराते हैं कि कालिया नाग है कहाँ पर।
God is all. गाइस मैं आया था तो शांति से वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे इतनी भीड़ है और बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चे आसपास ही घूम रहे हैं। जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है। ये सामने आप देख रहे हो ये कालिया नाग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी पे या काली देह पे जो नाचने के बाद इनको वहाँ से भेज दिया था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि काली देह पे नाचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालिया महाराज को यहाँ से भेज दिया था कि आप यहाँ से चले जाइए, ये ब्रज के लोगों का है, नहाने धोने की जगह है, अगर आप यहाँ पर रहोगे तो लोगों को परेशानी होगी, दिक्कत होगी, तो आप यहाँ से दूर चले जाइए कहीं, और जहाँ तक जाओ पलट के मत देखना, जहाँ भी आप पलट के देखोगे वहीं पत्थर के हो जाओगे। आप वृंदावन की काली देह से निकलने के बाद ये सीधे चल दिए थे वहाँ से, तो वहाँ से चलते चलते काफ़ी दूर आ गए, तो इनको लगा कि मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, तो इन्होंने यहाँ पर आके पलट के देखा और यहीं पर ये पत्थर के हो गए। जिस तरफ को इनका चेहरा है ना, इस तरफ सामने की तरफ सीधा वृंदावन ही है, तो इनका चेहरा वृंदावन की तरफ है, तो यहाँ पे आके ये पत्थर के हो गए। जिस जगह पे ये फिलहाल में विराजमान है, इस जगह का नाम है जैंत। ये छोटा सा एक गांव है जैंत, जो दिल्ली आगरा हाईवे पे पड़ता है। अगर आप मथुरा से दिल्ली की तरफ आओगे ना तो ऑन हाईवे ही पड़ेगा ये। अगर आप दिल्ली से मथुरा की तरफ आ रहे हो तो रास्ते में आपको पड़ेगा ये। वृंदावन से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक गाँव पड़ता है जैंत, तो वहीं पर ये स्थित हैं। तो गाइस ये लीजिए, ये कालिया नाग के दर्शन करो भाई। ये हैं कालिया नाग जिसको भगवान श्री कृष्ण ने नाच के भगा दिया था। ये लीजिए, काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, देखिए घूमने वाले बहुत आते हैं यार। गाइस यहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने मुझे बताया कि इनके सर पे जो है भगवान श्री कृष्ण के पैर के निशान हैं। तो ये देखिए आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे मुझे पता नहीं, ये पाँव के निशान हैं इस पर जो बने हुए सर पे इनके पे, और 5 फन बताए जाते हैं ना कहानी में, तो पीछे से दिखाता हूँ आपको, पूरे 5 दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, पूरे 5 फन हैं। तो कई राजा महाराजाओं ने उसकी खुदाई करवाई है बीच में चेक करने के लिए, कुछ ने खजाने के लालच में, कुछ ने ये चेक करने के कि इनकी लंबाई कितनी है, कहाँ तक है, जो बताते लोग वो सत्य है या झूठ है। तो बहुत लोगों ने इसकी खुदाई करवाई लेकिन कोई भी लास्ट तक नहीं पहुंच पाया। और एक कहानी ऐसी भी है, अंग्रेज़ों के टाइम पे इसको खंडित करने के लिए गोलियां चलाई गई थी, तो इसमें गोलियों के निशान है। ये देखिए ये वाला, इधर को एक ये है, और इसके इनके जो सर पर जो भगवान श्री कृष्ण के पैर का निशान बना हुआ है, मुझे दिख रहा है, आपको कैमरे से दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे क्लियर दिख रहा है। तो गाइस दर्शन कर लो भाई, जय कालिया महाराज की। तो गाइस मैं आज आपको लेके आया हूँ काली देह पे, जो कालिया नाग रहते थे जिनको भगवान श्री कृष्ण ने नाचा था। ब्रज में बहुत जगह है घूमने फिरने के लिए जिनको लोग अक्सर मिस कर जाते, इतनी अच्छी अच्छी जगह और इतनी ऐतिहासिक जगह है जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और वो थोड़े से 4-5 मंदिरों के आगे फ़ोटो खिंचा के वापस चले जाते हैं और सोचते हैं कि ब्रज 84 को उसके दर्शन हो गए उनको, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो इसी संदर्भ में आपको आज घुमाने के लिए लाया था यहाँ। तो गाइस आपको कालिया नाग भगवान के दर्शन करा दिए, सारी कहानी बता दी है, अब इस ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।